नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। जन्माष्टमी का त्योहार सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को नमन करने का ही नहीं बल्कि उनसे सीखने का भी त्योहार है। भगवान श्री कृष्ण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे अहम जो सीख हमें उनसे जीवन में मिलती है वो है महाभारत में कैसे पांडवों के लिए उन्होंने सारथी की भूमिका निभाई थी। पांडवों के लिए श्री कृष्ण एक सही मार्गदर्शक साबित हुए और उनके मार्गदर्शन में ही पांडवों की जीत मिली। और उसी तरह निवेश में भी आपको सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है और इसके लिए जरूरत है निवेश के सारथी की, यानी एक वित्तीय सलाहकार। तो कैसे चुने सही निवेश का सारथी, कैसा हो आपका निवेश का सारथी, इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है फुल सर्कल फाइनेंशियल प्लानर एंड एडवाइजर्स के फाउंडर कल्पेश आशय। कल्पेश, आपका बहुत स्वागत है जन्माष्टमी के इस मनी गुरु स्पेशल शो में। आज हम जानेंगे हमारे शो में क्या खास है। आज के शो में आज जिन बातों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उनमें कैसे खोजें श्री कृष्ण सा सारथी, निवेश के लिए कैसे चुने निवेश का सही सारथी, साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि निवेश के सारथी में कौन से गुण होने जरूरी हैं। निवेश का सारथी यानी सलाहकार चुनने के क्या है फायदे, शुरू करते हैं अब इस शो का सफर। यही आपसे जानना चाहते हैं कल्पेश, जब हम सही मार्गदर्शक की बात करते हैं, हमने भगवान श्री कृष्ण से सीखा है कि सही मार्गदर्शन का नतीजा क्या होता है, वो हमने महाभारत के उस कुरुक्षेत्र की लड़ाई में जरूर देखा। वही अगर वित्तीय सलाहकार की बात करते हैं, उनका भी मार्गदर्शन किसी के पोर्टफोलियो के लिए बेहद जरूरी होता है। तो इसलिए निवेश का सारथी, निवेश के सारथी भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर अगर हम इस संदर्भ को देखें तो कैसे समझा जाए। पहले तो जी बिजनेस के सभी दर्शकों को जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन एक बहुत ही रोचक और बहुत ही एक प्रेरणा स्रोत है हम सबके लिए, और निवेश को लेके जब हम बात करते हैं तो उनमें काफ़ी ऐसे गुण हैं जो हम एक अच्छे सलाहकार में ढूंढते हैं। तो देखते हैं वो कौन से गुण हैं। तो हम पहले बात करेंगे ऐसे गुण की जो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत के दौरान सारे उनके गुण दर्शाए थे और अर्जुन को और हम सभी को बहुत सारी सीख मिली है उससे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक गुण जो होता है एक अच्छे सलाहकार में, जो आपके निवेश की पूरी यात्रा में आपके साथ रहता है, वो है निष्पक्षता। वो एक ऐसा गुण है कि सलाहकार ऐसा होना चाहिए जो आपके भले के बारे में पहले सोचे और ऐसी आपको सलाह दे जिसमें उसका कोई निजी स्वार्थ ना हो। और सिर्फ निजी स्वार्थ एक खुद की एक लालसा एक पैसे कमाने की तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे प्रोडक्ट्स में भी वो आपको सलाह ना दे जिसमें उसको एडवाइस या आपको सलाह दे के उसमें ज़्यादा उसको फ़ायदा हो, बल्कि आपका फायदा, मतलब जो यहाँ आपके देखें कि ऑलवेज अर्जुन का या पांडवों का फायदा श्री कृष्ण जी ने देखा था, तो उनका फायदा पहले रखे। तो निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है कि आप वो देखें एक व्यक्ति ऐसा जो सिर्फ रिटर्न्स के बारे में बात ना करे बल्कि आपके जो लक्ष्य हैं उसके बारे में बात करे। दूसरी बात जो आती है सामने निष्पक्षता को जुड़ के ही है, वो है कितना वो व्यक्ति सत्य को मानता है, कितना सत्यवादी है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जब हम फाइनेंस की वित्तीय चीज़ों की बात करते हैं, तो आज के दौर में ये देखा गया है कि बहुत एक जटिल सा एक पूरा माहौल बन गया है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो गई हैं, और वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति आपका हाथ थामे हुए खड़ा है जो आपको सिर्फ सही मार्ग दिखाता है। और वो सही मार्ग सब मार्ग से कठिन भी हो सकता है, लेकिन उनकी सलाह ऐसी होगी कि वो सही मार्ग चल के ही आप अपने सारे लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कम समय के हो या लंबे समय के हो। तो उसका सही मार्ग और एक सत्य के रास्ते पर चलना बहुत बहुत एक अवश्य एक अच्छे सलाहकार का गुण होता है। तो निष्पक्षता और सत्य, ये अगर सबसे पहले गुण आप अपने सलाहकार में देखते हैं तो आपको पता है कि आपकी जो पहली एक खोज है सही दिशा में जा रही है। निष्पक्षता और सत्यवादी, निवेश के सारथी के दो गुण जिस पर हमने चर्चा की, उसके साथ ही कुछ और गुणों पर चर्चा हम आपसे करना चाहेंगे।
हर निवेशक वित्तीय तौर पर जागरूक नहीं होता है, इसके लिए किसी भी अच्छे निवेश के सारथी में कैसा गुण होने की जरूरत है, और एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए एक ऐसा कौन सा गुण हो जो एक जो निवेशक है अपने सही फाइनेंशियल एडवाइजर में ढूंढे। जैसे मैंने बताया कि आज का जो एक माहौल है जहां पे सारे वित्तीय जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही जटिल कॉम्प्लिकेटेड हैं, वहां हमें जरूरत है एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे सलाहकार जी जो अच्छा वक्ता हो, जो अच्छा कम्युनिकेटर हो, और ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये सारे जो हम शब्द सुनते हैं फाइनेंस के, ये सारी जो क्रियाएं समझते हैं फाइनेंस की, उसको बहुत ही स्पष्ट और सरल भाषा में हमारे समक्ष रख सके। और ये करना कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि काफ़ी सलाहकार जो होते हैं वो ये मानते हैं कि हम जितना कॉम्प्लिकेटेड और कितने बड़े बड़े शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारे सामने जो हमारा एक निवेशक है या जो हमारा कस्टमर है वो उससे ज़्यादा प्रभावित होगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जितना सरल तरीके से हम अपनी जो एक वक्ता है करेंगे तो उतना ही जो हमारा निवेशक है जो बिल्कुल इस फील्ड से परे है तो उसको ये जानना ज़रूरी है कि वो चीज़ किस चीज़ में, किस क्षेत्र में अपने पैर रख रहा है, उसमें कितनी जोखिम लेने की क्षमता है, उसकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, वो सारी चीज़ें बहुत ही एक सरल भाषा में समझा सके। और श्री कृष्ण जी भी की आप जब भगवत गीता देखते हैं तो उन्होंने जो भी सारी चीज़ें जो समझाई हैं अर्जुन को, वो एक हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के उसमें उदाहरण दे के समझाई है, तो बहुत ही आसानी से जो सामने वाला व्यक्ति है वो समझ जाता है। उसके बाद की जो एक पॉइंट है जो आपने बताया रणनीति, तो एक अच्छा सलाहकार एक अच्छा रणनीतिकार भी होना चाहिए, अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम, चाहे वो महाभारत की लड़ाई हो या एक निवेश का एक कोई मॉडल हो या अपने फाइनेंशियल गोल्स को हम जब हासिल करना चाहते हैं, हर एक चीज़ में एक प्लानिंग, एक आयोजन होना, एक रणनीति होनी बहुत ज़रूरी है। और वो रणनीति ये नहीं कि सभी निवेशकों के लिए एक ही हो, आपका निवेशक जो है या आप एक अलग व्यक्ति हो, एक डायनामिक परिस्थिति होती है हर एक की जीवन में, उस स्थिति को देख के आपका सलाहकार आपके लिए कौन सी रणनीति बनाता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब किसी के लिए ज़्यादा जोखिम लेना अच्छा है लेकिन उसके रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक, किसी के लिए बहुत कम जोखिम से ही अपने लक्ष्य हासिल कर सकता है, तो अच्छी रणनीति बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हमने देखा कि आखिरकार वो रणनीति से ही पांडवों ने महाभारत में विजय पाई थी। तो अच्छा वक्ता और रणनीतिकार, भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन के ये गुण हम सीखते हैं जो कि एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर में हर कोई निवेशक ढूंढता है। जब भी हम देखते हैं कि मार्केट में उतार चढ़ाव है, हमारे मन में, खासतौर पर निवेशकों के मन में डर और भय का माहौल आ जाता है, तो ऐसे में इस स्थिति में एक फाइनेंशियल एडवाइजर की भूमिका कैसे हो सकती है, और साथ ही एक फाइनेंशियल एडवाइजर को हर किसी की समस्या सुनने का जो क्षमता होती है, एक गुड लिसनर होने की जो क्वालिटी है, उसमें वो होना कितना जरूरी है कल्पेश? अब हम आजकल के अगर माहौल को देख ले कि जो माहौल चल रहा है मार्केट में या इकोनॉमी को लेकर, कि चारों ओर हम देखें कि एक नेगेटिव नकारात्मक हम चीज़ें सुन रहे हैं, तो यहाँ पर एक आम निवेशक तो जाहिर सी बात है कि बहुत घबरा जाएगा, बहुत एंग्जाइटी में आ जाएगा। तब जाके एक सलाहकार का बहुत ही एक महत्वपूर्ण उसका एक रोल आपको समझना होता है कि वो इन सारी परिस्थितियों में अपना मन और अपना जो एक व्यवहार है कितना शांत और कितना सरल रख सकता है। तो उसका खुद का भी जो एक आमतौर पे जो स्वभाव होना चाहिए वो बहुत ही शांत होना चाहिए, बहुत ही परिपक्व होना चाहिए, मच्योर किस्म का बंदा होना चाहिए, और जिसने सारी इन चीज़ों को पहले देखा हुआ है उसका अनुभव भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब वो इन अनुभवों से गुजरता है तब जाके वो परिपक्व होता है कि कैसी मार्केट सिचुएशन है, तो उसको कैसे अपने निवेशक के समक्ष रखना है, और ना ही निवेशक को इसमें कोई गलत निर्णय ले बैठे, उससे दूर रखना है। तो खुद जब वो बहुत ही एक शांत माइंड में रहेगा तब जाके वो अपने कस्टमर या अपने निवेशक को बता पाएगा कि आपको इसमें कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लक्ष्य संभाल के चलो, अपने हर रोज़ की जो जीवन शैली है उसमें थोड़े बदलाव करो। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरी बात जो आपने कही वो एक अच्छा सुनने वाला, तो वो अच्छा एक सुनने वाला चाहिए, अच्छा लिसनर चाहिए खुद भी एक व्यक्ति, क्योंकि उसको पहले सब सुनना बहुत ज़रूरी है, कि उसको ये भी जानना ज़रूरी है कि सही क्या है, गलत क्या है, आज मार्केट में या आज इकोनॉमी में क्या बुरा भी चल रहा है, कौन लोग ऐसे हैं जो बुरा एक माहौल फैला रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं है। जब वो ये सारी चीज़ें सुनेगा
तब वो अपने आप एक इस चीज का पूरा निष्कर्ष निकाल सकेगा और अपने क्लाइंट के लिए या अपने जो निवेशक हैं उनके लिए जो सही मार्ग है तभी वो बता पाएगा। तो अच्छी एक लिसनिंग की एक जो खूबी है वो भी रखना जरूरी है। और महाभारत में भी देखो तो कृष्ण जी जो थे वो कौरवों के भी सुनते थे और करते वही थे जो इनके मन में आता था पांडवों के हित में। जी, तो शांत स्वभाव होना एक फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए होना जरूरी है और गुड लिसनर यानी अच्छा श्रोता होना बेहद ही जरूरी है। और इसका संदर्भ श्री कृष्ण को देखते हुए, उनकी तमाम जो खूबियां को देखते हुए कल्पेश आप समझा रहे हैं। निवेश के सारथी के कुछ और गुण हम आपसे समझना चाहेंगे, जिसमें कहा जाता है कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, ये गीता का सार भी कहता है और ये भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को समझाया था। वो फाइनेंशियल प्लानिंग में कितना हद तक सही होता है और एक फाइनेंशियल एडवाइजर कैसे समझा सकता है अपने निवेशक को, और निस्वार्थ भाव से काम करना, मतलब अपने लिए कोई स्वार्थ ना ढूंढकर अपने निवेशक के फायदे की बात करना, ये कैसे हो सकता है फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए उसका अपना गोल। जो पहला गुण जो आपने बताया कि कर्म करना और फल की आशा ना रखना, ये तो एक बहुत ही प्रभाव वाला एक सार है गीता का और मुख्य सार है जो हम जीवन में भी अक्सर इस्तेमाल करते हैं। और निवेश में तो जब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग हो या लंबे समय अवधि का कोई निवेश हो तो इसमें तो ये सार बहुत ही ऊपर उठ के आता है। तो जब हम कहते हैं कि कर्म करो तो उसका हम जो एक सीधा संदर्भ है वो हम इससे भी कर सकते हैं कि हम एक रेगुलर निवेश करते रहे हैं। हमारा काम है निवेश करना, हमारे जो रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं, हमारी जो आमदनी है उसमें से जो हमारी बचत होती है उसमें लगातार निवेश करना ज़रूरी है। अब हम वो निवेश जब करते हैं तो अपने गोल्स को, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए करते हैं और इसमें कोई भी एक बाधा नहीं आनी चाहिए, इसमें कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। आप कितना भी इसमें सुन ले कि आज कोई भी एक नेगेटिव माहौल फैला रहा है, आपको कोई बोले कि अपनी SIPs बंद कर दो आज के माहौल में, ये बोल दे कि आप मार्केट तो बहुत खराब है और अगले 5-6 साल तक ऐसे रहने वाला है, तो इन सारी चीज़ों को आप बंद ना करें और अपना जो कर्म है, हम कर्म यहाँ पे आपका निवेश बता रहे हैं, उसको जारी रखें। और ये आपको सलाहकारी बता सकता है क्योंकि आप उसने आपके लिए एक पहले से रणनीति तय की हुई है। तो कर्म की जो बात है वो इस संदर्भ में है और इसके साथ जुड़ा हुआ एक आपका धर्म है, क्यों धर्म भी वो है कि आप निवेश करते हो आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए और आपके खुद के भलाई के लिए, आपके बुढ़ापे के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। तो ये सारे धर्म और कर्म का जो सार है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगली बात जो आपने बताई वो है निस्वार्थ भाव। अब ये निस्वार्थ भाव आज के समय में, आज के दौर में आपको ढूंढना पड़ेगा एक अच्छे सलाहकार में, क्योंकि इतने सारी प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारे परिस्थितियां सामने आती हैं, तो वो एक अच्छा सलाहकार वही होगा जो हम इसका एक अंग्रेजी में बहुत ही एक बेहतरीन इसमें शब्द है वो फिड्यूशरी, जो अपने निवेशक का जो हित है वो अपने से पहले रखता है। तो जब आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनते हैं या उससे मिलते हैं तो उसका पूरा एक जो खूबियां हैं आपको पता चल जाएगी, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। क्या वो सिर्फ यही बता रहा है कि आपको सिर्फ रिटर्न्स मिलेंगे, आपको सिर्फ मार्केट कंडीशंस के हिसाब से हम निवेश की सलाह देंगे, अथवा ये आपको बताता है कि आपके निजी जीवन में वो क्या बदलाव ला सकता है। तो जो निस्वार्थ भाव की एक खूबी है वो आपको अच्छे सलाहकार में ढूंढनी पड़ेगी। तो हमने और खूबियों के बारे में जाना है आपसे जो एक निवेश के सारथी में होना चाहिए। कुछ और खूबियों की बात करें, कुछ और गुण की बात करें, उसमें एक सही मार्गदर्शक, एक फाइनेंशियल एडवाइजर को श्री कृष्ण की तरह एक सही मार्गदर्शक के तौर में आप कैसे देखते हैं, वो खूबियां कैसे डेवलप की जा सकती है, और एक जागरूकता, मतलब लोगों को समझाना फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, कोई गलती ना करे उसके बारे में और अवेयर करना, वो कैसे मुमकिन हो सकता है। ये जो मार्गदर्शन का जो आपने गुण बताया वो तो पूरा सलाहकार का आई थिंक एक उसकी परछाई है कि अच्छा सलाहकार वही होता है जो अच्छा मार्गदर्शन दे सके। और मार्गदर्शन एक अच्छा सलाहकार आज की तारीख में सिर्फ आपके निवेश को नहीं देता लेकिन आपके पूर्ण जीवन को भी देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपकी वित्तीय परिस्थिति है उसके ऊपर आपका जीवन निर्भर करता है। तो जब एक अच्छा सलाहकार आपके जीवन में प्रवेश करता है
तो आपको अपने आप एक अनुभूति होती है, एक आप महसूस करते हो कि इस व्यक्ति के आने से, इसके मार्गदर्शन से आपके जीवन में कितना बदलाव आ रहा है, आप सही एक रास्ता पकड़ के चल रहे हो। और यहाँ पर वो मार्गदर्शन ऐसे भी देता है कि आपको कई गलतियों से बचाता है। और जैसे हमने गीता में देखा है कि जब अर्जुन अपने सारे शस्त्र नीचे रख कर बोलता है कि मैं आगे एक ये रणनीति से आपकी आगे नहीं बढ़ सकता और अपने ही खुद के परिवार जनों से युद्ध नहीं कर सकता, तो तब जाके सही मार्गदर्शन कृष्ण जी ने दिया था कि आप सामने ये मत देखो कि कौन आपके सामने खड़ा है, चाहे वो आपके रिश्तेदारी क्यों ना हो, लेकिन आपका मार्ग यही है कि आप अपना धर्म करो। और ये एक निवेश के पूरी यात्रा जो है उसमें आप देखोगे कि आपके सामने ऐसी बहुत परिस्थितियां आएंगी, और तभी आपको एक अच्छे सलाहकार, एक अच्छे मार्गदर्शक की एक बहुत ही बड़ी इसमें एक रोल आपको पता चलेगा। इसके बाद जो हम कह सकते हैं कि दूसरा जो पॉइंट है वो है ये जो जागरूकता एक लाता है आपके जीवन में, एक अच्छा सलाहकार, एक अच्छा सारथी जो होता है, कि उनके पास उनके जो व्यवसाय के हिसाब से जो एक नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो आपसे बांटता है। और बांटता इसके लिए है कि आप भी अपने तरीके से जिंदगी में जो वित्तीय जो परिस्थितियां हैं उनसे जागरूक रहो, ना कि सिर्फ वही आपको सब बताएगा। कल उठ के अगर आप अपने आप भी निर्णय लेना चाहें तो आपको पता होना चाहिए, आपके पास सही इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास जो एक इसकी सोच होनी चाहिए, आपके पास एक नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि आप अपने आप स्वतंत्र तरीके से भी कैसे अपने वित्तीय जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। और जब ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि साथ में मिलती है, तो मैं तो यही कहता हूँ कि आपको एक वित्तीय निर्वाणा हासिल हो सकता है। तो निवेश का सारथी मतलब आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइजर, उसमें कौन से 10 गुण हो सकते हैं कल्पेश, हम आपसे जान रहे हैं। संदर्भ हमने श्रीमद् भगवद गीता का लिया है, भगवान श्री कृष्ण का लिया है, क्योंकि जन्माष्टमी का अवसर है। हम आपको सारथी के 10 गुण, निवेश के सारथी के 10 गुण दिखा देते हैं, हम किन किन गुणों पर बात की है। एक तो आपके निवेश सारथी को निष्पक्ष होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, अच्छा वक्ता होना चाहिए, रणनीतिकार होना चाहिए, सभी गुण भगवान श्री कृष्ण में मौजूद हैं। और वैसे वो तो भगवान है, ये तो हम निवेश सलाहकार की बात करें, लेकिन फिर भी सोच में ऐसे गुण लाए जा सकते हैं। शांत और सौम्य होना जरूरी है, अच्छा श्रोता होना बेहद जरूरी, कर्मयोगी मतलब कर्म कर फल की चिंता मत कर, निस्वार्थ भाव से अपने निवेशक को गाइडेंस दे, मार्गदर्शक दे, ये बेहद जरूरी है। और मार्गदर्शक जो कि एक मूल होता है, एक आधार होता है किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर का, ये होना बेहद जरूरी है। और जागरूकता मतलब जागरूक करने वाला। अब किसी को निवेश का सारथी चुनना है तमाम गुणों के साथ, उससे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कल्पेश आखिर में, कि किन बातों का ध्यान रखें एक निवेशक को, ऐसा निवेश का साथी कहां से मिल सकता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको अच्छा निवेश करना है लेकिन आपको सलाह दूसरी सलाह नहीं चाहिए, कि आपको सिर्फ निवेश के संदर्भ में ही सलाह चाहिए, तो आप एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर ढूंढ सकते हैं। इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं जो IFA कहते हैं हम, और जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी अच्छी सलाह देते हैं आपको, तो वो सिर्फ आपके निवेश को लेके सलाह होती है। लेकिन आप एक अगर कॉम्प्रिहेंसिव आयोजन करना चाहते हैं, पूरा अपना जो एक फाइनेंशियल प्लानिंग जो हम कहते हैं, वित्तीय आयोजन जो कहते हैं, तो आप इसमें एक अच्छा सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर खोज सकते हैं। और जो सेबी के रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं तो उनको भी आप अपना सलाहकार चुन सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें समझना ज़रूरी है कि जिसकी भी आप खोज करें या जिसको भी आप चुने, उसके अंदर पहले से काफ़ी आप थोड़ी एक रिसर्च करें और फिर ही अपना निर्णय लें। बहुत शुक्रिया कल्पेश हमारे साथ मनी गुरु के इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। जन्माष्टमी के इस अवसर पर तमाम दर्शकों को भी हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो मनी गुरु में आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही।